बिग बॉस ने जब से डिसीजन लिया है इस बात का कि बिग बॉस के घर के इस हफ्ते के नॉमिनेशंस जो है वो रुबीना दलायक, अभिनव शुक्ला, एली बोनी और जैस्मिन भसीन, उसके बाद से ही अर्शी खान ने जीना हराम कर दिया है किसका, रुबीना दलायक का। आखिरकार क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं मुरुगन ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वेल, आपको बता दूं कि अर्शी खान लगातार पोक करती हुई नजर आई है। इसका प्रोमो भी जो है अभी हाल ही में आउट हुआ है और इस प्रोमो के अंदर दिख रहा है कि किस तरीके से रुबीना दलायक के पीछे पड़ चुकी है अर्शी खान। और रुबीना दलायक के पीछे पड़ पड़ के बार बार जहां जहां वो जा रही है वो पीछे पीछे जा रही है। इनफैक्ट उन्होंने उनको कहा कि तुम बदतमीज हो, तुम एक एक जिल्लत हो और तुम नियमों की बात करती हो, तुमसे नियम तो फॉलो होते नहीं है, तुम लोगों पर रौब चलाती रहती हो और तुमसे मैं नहीं डरती, इस घर में सब डरते होंगे तुमसे, लेकिन तुमसे मैं नहीं डरती हूँ, मुझसे ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी, मैं अर्शी खान हूँ। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अब बिग बॉस के मेकर्स को क्या सांप सूंघ गया है जो वो एक बार भी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि अर्शी आप जो ये पोक बना कर रहे हैं इसे बंद कीजिए, क्योंकि फिर सामने वाला रिप्लाई कर देगा तो भैया सपोर्ट उतर के आ जाएंगे, हाय अर्शी खान को सॉफ्ट टारगेट कर दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया। तो अभी किसी को कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा है? अब आप लोगों को क्या है कहना, क्या है लगता, राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। क्योंकि अगर अब वीकेंड के बाद पर रुबीना के रिप्लाईज को अगर ट्विस्ट करके जो है सलमान खान लेकर आते हैं तो देखिए फैंस तो भड़क जाएंगे। पर ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना, राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।